गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जोराज होम्योपैथी क्लिनिक की ओर से और इंटरनेशनल होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज एक केस करते हैं। मुझे महाराष्ट्र से हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके वे मेंबर हैं डॉक्टर लाहू जाधव जी, उनका कॉल आया और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करके एक पेशेंट है जिसको डॉक्टर्स ने फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर डायग्नोज किया है। यूकोप्लेकिया की उसे बीमारी है जो मुंह में सफ़ेद दाग हो जाते हैं। तो वह तेलंगाना से है और उसने अपनी स्टेट में सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाया है, ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अब वो महाराष्ट्र में मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है और जो वो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, स्लीपलेस है और वो खा पी भी नहीं रहा है और उसे कैंसर का डर है। उसे डॉक्टर्स ने भी कहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, और उसके जो आसपास के लोग हैं वह भी उसे कह रहे हैं कि तुझे कैंसर हो गया है। तो वो बहुत ज़्यादा फियरफुल है पेशेंट और उसे नींद भी नहीं आ रहा है। अगर थोड़ी नींद आती भी है तो सांप सांप और बिच्छू के सपने आते हैं। इतनी ही इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने मुझे प्रोवाइड करवाई। तो मैंने अपनी मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए पूछा कि आप पता कीजिए कि जो पेशेंट है वो टाइट क्लोथिंग बियर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पेशेंट ने बताया कि नहीं। तो मैंने उनको लैकेसिस 33 डोज देने के लिए कहा। तो पेशेंट को लैकेसिस 33 डोज दी गई और 1 महीने के बाद जब वो फॉलोअप के लिए आया तो पेशेंट 80% तक ठीक हो चुका था, अच्छे से खा पी रहा था, अच्छे से नींद आ रही थी। जो उसे फियर था, कैंसर का फियर था या वैसे वो फियरफुल था, वो सारा उसका फियर चला गया, एकदम मस्त है, ऐसा पेशेंट ने रिपोर्ट किया। तो इस केस में मैंने फियर ऑफ स्नेक्स, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, रेस्टलेसनेस, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और इम्प्रेशनेबल, ये 4 रूब्रिक लिए थे जिसमें लैकेसिस कॉमन थी और लैकेसिस बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल पेशेंट होता है, बहुत जल्दी जो इम्प्रेशन होता है उसके माइंड में पड़ जाता है। तो आप भी ऐसी सिचुएशन में लैकेसिस का उपयोग कीजिए। मैं उस पेशेंट का जो फॉलोअप है, वीडियो क्लिप है छोटी, वह भी इस वीडियो में साथ में डालूंगा। तो पेशेंट जो लैकेसिस का पेशेंट होता है, जब उसे कोई बीमारी आती है अगर वो ठीक नहीं होता तो वो कॉन्स्टेंटली एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाता रहता है जब तक उसे रिलीफ ना मिल जाए, इतना ज़्यादा वो रेस्टलेस हो जाता है। दिस इज द केस। थैंक यू। हाँ सुना सर, आता चल रहा है। आप कैसा लग रहे? आ करो, आ करो, आ ऐसा करो, कम होए वाले। राइट। आप कैसा लग रहे? छोड़ दो, बोलो, आप बोलो। अच्छा, तकलीफ के लिए कुछ नहीं, खाना पीना जा रहे ना? सब खाएंगे सर, अच्छे से। सांप के सपने, बिच्छू के सपने को जा रहे? बहुत अच्छा लगा ना। कितने दिन में फर्क गिरा? 8-10 दिन में। 10 दिन में? ठीक है, ठीक है, ठीक है।